रोल क्या हो गया, हॉस्पिटल में हाँ हमेशा से। अभी फ़िलहाल अंजूर को चकोर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है क्योंकि उन्होंने अपनी जान को खेल कर अपनी जान दांव पे लगा के अंजूर की जान बचाई है। तो उसको एहसास हो गया कि शायद उसने पूरी लाइफ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग किया है एंड नाउ शी इज़ ऑन डेथ बेड। तो उसको बहुत ही बुरा लग रहा है कि उसको माफ़ी मांगने का भी चांस नहीं मिला और चकोर मम्मा के साथ ये हो गया है। सो या शी इज़ वेरी गिल्टी एंड शी जस्ट वॉन्ट्स कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि वो उन्हें बता सके वो कितनी प्यार करती है। और मतलब अभी पूनम के भी अगेंस्ट जाने को पूरा तैयार है, इतना बॉन्डिंग हो चुका है क्या सकते हैं। हाँ पूनम के साथ अपनी पूनम मॉम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जोड़ की लाइफ में, बट ऑब्वियसली खून तो खून होता है और जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी तो वो चकोर को भी अपना लेगी। सो ऐसा नहीं कि वो पूनम मॉम को साइडलाइन कर रही है, बट उनको उसको पता है कि वो रहने वाली है हमेशा उनके पास, बट चकोर नहीं रही है तो उनसे लगाव ज़्यादा होने की संभावना है। कि जिस तरह से पूना आपको दूर कर रही है तो कैसे पास जाने वाली चकोर के मुझे के कोई हाँ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो ये सब प्लॉटिंग कर रही है, बट आई एम श्योर जब पता चलेगा तो बहुत बड़ा ड्रामा होगा तब। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ चकोर जी के लिए कंसर्न हूँ और वो जल्दी से ठीक हो जाए ये कंसर्न। थैंक यू। आई वुड लाइक टू से समथिंग। I've learned a lot here. आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू। अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो तो सॉरी एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू उड़ान। आई होप दैट ये शो सालों साल चले। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूनिट। और जो लोग आते भी हैं शो में वो भी यही बोलते हैं कि हमारा शो के लोग बहुत अच्छे हैं एंड सबकी दुआएं हमेशा लगती है। सो आई विश ऑल द बेस्ट आप सबको एंड थैंक यू। आज लास्ट डे है मीरा का और चकोर का। मीरा एज चकोर का आज लास्ट डे है उड़ान में और ये दिन तो अभी शुरू हुआ है। एक्चुअली मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। So, yes, it's my last day. It has been a very beautiful journey. बहुत अच्छे बीते मेरे 3 साल से ज़्यादा वाला वक्त। और जब आई थी तो कुछ नहीं थी, जा रही हूँ तो कुछ लेकर जा रही हूँ, बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ यहाँ से। एंड आई होप कि दिस ये जो शो है ये इसकी यादें और जितना भी वक्त मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है वो हमेशा मेरे लिए एक मेमोरी रहेगी, लाइक द बेस्ट ऑफ द मेमोरीज। वी हैव हैड अमेजिंग ट्रैक्स और आई हैव अ प्रोड्यूसर ऑफ द शो हियर। व्हाई शुड आई मेक यू क्राई? यू शुड बी हैप्पी। शुड कम नो प्लीज सॉरी नो प्लीज कम यू नेवर गुरुदेव भल्ला सर क्या कहेंगे बिकॉज़ चकोर से ज्यादा हम उन्हें मीरा को मिस करने वाले सर पे। आई थिंक ये लास्ट डे उनका है बट he always has this teddy bear hugs also that I'll miss. You'll not miss anything. Kya ja nahi raha main to bol raha hu ye break hai. For the little break. Are khatam ho gaya. Khatam ho gaya se bin samay se. Matlab ye to bahut bada ye hai proof hai aapke samne ki tissue papers khatam hai. Kamre. It's a very beautiful journey jo Meera ne kiya hai pichle 3 saalon mein. Jab ye aayi thi pehli baar maine inse kaha tha ki hamare bachchon ne bahut acha kaam kiya hai और अब ये ज़िम्मेदारी इनके कंधों पे है और वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी वो वक्त बताएगा, इनकी मेहनत बताएगी। तो मैंने सबको ऐसे कहा था तो इन्होंने उससे कहीं ज़्यादा किया है। दे डिड इन्होंने एक क्यों बोलते हैं दिल से काम किया है, इन्होंने मन से काम नहीं किया है, इन्होंने अपनी मतलब सब कुछ दे दिया है। जो किसी भी एंटरटेनमेंट बिजनेस का एक असूल होता है कि आप सब कुछ दे दो फिर ऑडियंस के ऊपर है वो लाइक करते हैं नहीं लाइक करते हैं प्यार देते हैं नहीं देते।
उड़ान को मिलती थी, लाइक अभी भले ऊपर नीचे हुआ हो, बट विजेंद्र और मीरा के टाइम पे जो टीआरपी हुई थी, हम टीआरपी पे बाइट्स करने आते थे। इन्होंने बहुत कमाल का काम किया था कि टीआरपी इज अ बाय प्रोडक्ट, वो बाद में आता है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो काम की वजह से लोगों का प्यार मिला इनको। सो इट्स द लव ऑफ द व्यूअर व्हिच हैज कन्वर्टेड टू टीआरपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि देखिए, अच्छा कंटेंट जहाँ भी आएगा, जब भी आएगा, वो चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी नीयत अच्छी है। हम 4.5 साल से शो को चला रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, तो टाइम स्लॉट इज अ पार्ट एंड पार्सल। और ऐसे कई बार शोज हुए हैं, पास्ट में भी हुआ है, दूसरे चैनल्स पे भी हुआ है। कलर्स में ये इनफैक्ट पहला था कि उन्होंने कहा था कि कभी भी कोई शो स्लॉट चेंज के बाद नहीं चला है, तो हमने तो चैलेंज लिया। हमें चैलेंज लेना पसंद है, जो दूसरे नहीं कर पाते वो हमने किया। इनफैक्ट उड़ान जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब हम शुरू कर रहे थे तो लोगों ने बोला था बंधुआगिरी होती नहीं है, अब 2014 में बंधुआगिरी दिखा रहे हैं, ये तो 70 और 80 में होता था। तो हमने एज अ चैलेंज लिया, सो इट्स एक्साइटिंग टू टेक अप चैलेंजेस। उसी तरह से आई डोंट थिंक स्लॉट का फ़र्क पड़ा है, हम स्लॉट लीडर रहे भी हैं, अभी भी हम नंबर 2 पे हैं, और बहुत कम डिफरेंस है फ्रॉम द कंपटीशन चैनल, एंड वेरी सून वील बी स्लॉट लीडर। तो वो मुझे यू नो आई डोंट थिंक आई लाइक टू से दैट कि स्लॉट की वजह से कुछ रेटिंग में फ़र्क पड़ा है। हम अपनी पूरी शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे, तो वी विल बी द नंबर 1 शो ऑफ द GEC सेक्टर, नॉट ओनली द स्लॉट लीडर। थैंक यू सर। आप लोग यू कीप गिविंग लव दैट यू हैव ऑलवेज बीन गिविंग, एंड यस, थैंक यू। ऐसे कर देना, उठा उठा, हाँ उठा, ये टेबल लगा ला, इधर लगा, ये टेबल ले ले, ये पिक्चर जो है We really mean it, a big thank you for the last 3 years, the effort that you put in, it is phenomenal. We really value you a lot, and like I said, this is a break, this is not a termination of any kind, so just a small celebration, small token from our side to you, to show our love and affection for you. Thank you, please do the honors. I would like to say something. Yes, you should. When I came in, I was nothing, and I've learned a lot here. आप सबको बहुत बड़ा thank you. अगर कभी किसी का दिल दुखाया तो sorry. And I wish all the best to Udaan. I hope that ये show सालों साल चले. यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूनिट, और जो लोग आते भी हैं शो में वो भी यही बोलते हैं कि हमारा शो के लोग बहुत अच्छे हैं, एंड सबकी दुआएं हमेशा लगती है। सो आई विश ऑल द बेस्ट आप सबको, एंड थैंक यू। Let me do.
let me do it. You deserve it. You love cakes, so you must eat the full piece. Yes! So. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. दूसरे में जाना मौका पे आपकी बात है। थैंक यू।